दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टारों की फिल्में जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है ना भैया, इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे बॉलीवुड का एक मशहूर गाना याद आ रहा है जिसमें आप ये फीलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि भैया किस तरीके से बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार बॉयकॉट गैंग से अपना पीछा छुड़ाने के लिए भागे जा रहे और बॉयकॉट गैंग जो है वो इनके पीछे दौड़ते दौड़ते बॉलीवुड का ये मशहूर गाना गा रही है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। यानी कि भाई आप जितना भी रेस लगा लो, ये बॉयकॉट गैंग का जो साया है ना, आप लोगों के पीछे से नहीं हटेगा। यानी कि भैया इस साये ने तो इसी हफ्ते में रिलीज हुई दो फिल्मों को और स्वाहा कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की। यानी कि भैया लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, यानी भैया इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ है ये बात तो किसी से नहीं छुपा है। और भाई अब बॉयकॉट गैंग की जो निगाहें हैं ना भैया, वो पठान और टाइगर 3 पर आकर टिक गई हैं। यानी कि भाई आज बॉलीवुड के किंग खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसको देखने के बाद तो भैया ऐसा लगता है कि भैया अगला निशाना बॉयकॉट गैंग का पठान है मेरे भाई। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म पठान को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जो कि भैया लंबे वक्त के बाद सिनेमा घर में आने वाली है। यानी कि भैया इससे पहले शाहरुख खान ने जो आखिरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फुल प्लेस दी थी वो फिल्म थी जीरो, जो कि 2018 में आई थी। और उसके बाद से शाहरुख खान जो है वो कुछ फिल्मों में कैमियो वाला किरदार निभाते हुए अपना लुक लोगों को दिखा रहे हैं। यानी कि हाल फिलहाल में ही शाहरुख खान की दो फिल्में सिनेमाघर में रिलीज हुई है जिसमें वो अपना कैमियो वाला अवतार दिखाए थे मेरे भाई। यानी कि एक फिल्म थी रॉकेटरी तो दूसरी फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा। और भैया इन दोनों फिल्मों में शाहरुख खान की एंट्री को लेकर दबंग खान के दीवानी ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भाई इनकी एंट्री दबंग खान की फिल्म यानी कि टाइगर 3 में नहीं होना चाहिए। यानी कि भैया अगर किंग खान का शुभ कदम उनकी फिल्म यानी कि टाइगर 3 में पड़ेंगे तो भैया इस फिल्म को भी बॉयकॉट गैंग जो है वो नेस्तो नाबूत कर देगी मेरे भाई। यानी कि भैया लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से धराशाही करने के बाद अब बॉयकॉट गैंग जो है वो किंग खान के पीछे लग गई है। और भाई किंग खान के साये से भैया दबंग खान को बचाने के लिए दबंग खान के जो दीवाने हैं वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं हैशटैग के माध्यम से कि वी डू नॉट वांट SRK इन टाइगर 3। यानी कि भैया ये जो हैशटैग है ना वो अभी काफ़ी ट्रेंड में है। तो भैया अब तो दोस्त दोस्त भी नहीं रह पाएंगे इन हेटरों की वजह से। आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया किंग खान कैसे खुद को बचाएंगे इन बुरी नजरों से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।